हाय एवरीवन, वेलकम है आपका समत किचन में। ये जो डिश आप देख रहे हैं वो है क्रीम पेपर चिकन। ये कोई मैंने रेस्टोरेंट से नहीं मंगाई और ये घर में बनाई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी, और आप भी बना सकते हैं इसको। जल्दी से करिए वीडियो को लाइक और शेयर और करिए समत किचन को सब्सक्राइब। और मैं आपको ले चलती हूँ समत किचन के अंदर बनाने क्रीम पेपर चिकन। मैंने लिया है आधा किलो चिकन, धो करके रखा है, और इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच लहसुन का पेस्ट, और इसमें डाला नमक 1 चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें डाला थोड़े आधे चिली फ्लेक्स, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसको ढाँक के मैरिनेट करने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये चिकन हमारा 2 घंटे के लिए मैरिनेट हो चुका है। और अब इसमें जो सामान होगा, इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, वो ये है, ये 1 कटोरी क्रीम बटर, और ये 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च पाउडर, और ये चाहिए हमको 1/2 लीटर दूध। हम बनाना शुरू करते हैं। पैन में ये हम अपना मैरिनेटेड चिकन डाल देंगे और इसमें डालेंगे दूध। इतना दूध डालेंगे कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए, और इसमें इसी में पकेगा ये दूध चिकन। तो ये पूरा 1/2 लीटर मिल्क इसमें डाल देंगे। पहले तो तेज़ आंच में रख के इसको बॉयल आने देंगे। फिर दूध में बॉयल आ गया है, और अब हम इसको मीडियम हीट पे रख के और इसको जो है तो इसी में पकने देंगे, और ये इतनी देर पकेगा कि ये सारा दूध जो है तो ड्राई हो जाएगा। इसको ड्राई करना है इसी में, और बीच बीच में हम देखते रहेंगे कि बहुत ज़्यादा चिकन ना गल जाए। इसमें 20 से 25 मिनट लग सकते हैं, कई बार डिपेंड करता है चिकन की क्वालिटी पे। तो कोई चिकन जल्दी गल जाता है, कुछ देर में गलता है, तो इसलिए हम बीच बीच में इसको चेक करते रहेंगे। मीडियम हीट पे रखेंगे और इसको अब ढाक देते हैं। ये चिकन को पकते हुए 5 मिनट हो गया है, और ये दूध भी अब गाढ़ा होना शुरू हो गया। हम इसको बीच में चला लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कितना गल चुका है या क्या है। अभी देखिए ये सख्त दिख रहा है, अभी और पकेगा, और क्योंकि दूध को हमें पूरा इसको ड्राई करना है। तो बस फिर अब इसको फिर ढाँक देते हैं और ऐसे ही पकने देते हैं 10 मिनट तक। और 10 मिनट पकने के बाद अब ये हमारी ग्रेवी जो मिल्की है वो थिक हो गई है, चिकन भी गल गया है। तो अब हम इसमें डालते हैं बटर। एक चम्मच पिसा काली मिर्च इसको मिला देते हैं, अच्छी तरह चला देते हैं। तो अब हम इसको ऐसे धीमी आंच पे रख के 2-3 मिनट तक और भून लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो जाएं अच्छी तरह। और अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कटोरी छोटी कटोरी क्रीम की। और इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसकी हीट को कर देंगे बंद और क्रीम को अच्छी तरह से मिला देंगे, और ये हमारा क्रीम पेपर चिकन रेडी है। बस अब इसको सर्व करते हैं। अब हम इसको डाल लेते हैं एक सर्विंग बोल में और गार्निश करेंगे थोड़ी सी क्रीम और धनिया पत्ते के साथ। मैं आपको दिखाती हूँ एक पीस तोड़ के कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और जूसी है। ये देखिए, इसको मैंने तोड़ा, ये कितनी आसानी से टूट रहा है और बहुत टेंडर है। टेस्ट है अमेजिंग, थोड़ा सा स्पाइसी, क्रीमी, बटरी। तो ये हमारा अमेजिंग टेस्ट वाला क्रीम पेपर चिकन बन चुका है, और जो कि बनाने में बहुत आसान था। इसमें कुछ ही इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं, और ये बच्चों को भी बड़ा पसंद आएगा अगर आप इसमें काली मिर्च कम कर दें, क्योंकि बच्चों को इतना तेज़ पसंद नहीं आएगा मिर्च। तो इसमें ब्लैक पेपर पाउडर आप कम डालें जब बच्चों को के लिए बनाएं, और अगर आपको ही खाना है या मेहमानों को खिलाना है तो इसमें स्पाइसी रखें। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और समत किचन को करिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।